जागरूकता फैलाने के लिए आधा दर्जन युवाओं की टोली 100 जिलों के दौरे पर है। 25 मार्च से जिलों का भ्रमण कर रहे युवा इन दिनों बिहार में हैं और यहां अब तक गया, नालंदा, जमुई और पटना का दौरा कर चुके हैं। बिहार में क्या महसूस किया इन युवाओं ने, जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ने। मानव व्यापार नौकरी के लिए युवाओं की एक टोली दिल्ली से निकली हुई है, जिसमें कई युवा हैं, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई बिहार से है और कोई हिमाचल से। ये लोग 100 जिलों की यात्रा करने के लिए निकले हैं, लगभग 60 जिलों की यात्रा कर चुके हैं, 4 राज्यों में और बिहार में आए हुए हैं। बिहार में इन लोगों ने कई जिलों की यात्रा कर ली है, लगभग 4 से 5 जिले घूम चुके हैं और वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है या किस तरह इन्होंने अनुभव किया, इसी के बारे में हम इन लोगों से बात करते हैं। आप बिहार में आई हैं, आपको क्या देखने को मिला यहाँ, किस तरह से चीज़ें हैं या जो मानव व्यापार को लेकर बच्चों का जो ट्रैफिकिंग होता है? बेसिकली बिहार में हम लोग अब तक 4 जिले कर चुके हैं। अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे काफ़ी गैप देखने को मिला है कि आम जनता के बीच में और जिन इकाइयों के साथ मिलके वो अप्रोच कर सकते हैं या फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं या कानून तक उनकी पहुँच बन सकती है, उसमें काफ़ी गैप देखने को मिला है। बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि आप जनता किसी भी क्राइम से रिलेटेड कोई अप्रोच है, मानव तस्करी की बात है, जगह जगह ये देखने में आता है, कई जगह इस तरह के मुद्दे हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। अभी 30 तारीख से बिहार गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी निकाला है जिसमें 6 महीने तक हर ब्लॉक और वार्ड स्तर पर वो ट्रैफिकिंग के खिलाफ कुछ कैंपेन करेंगे।